नमस्कार, मैं अंकिता सातवीं कक्षा की छात्रा हूँ। आदरणीय गुरुजनों, मान्य लोगों और प्यारे मित्रों को मेरा प्रणाम। आज भारत के 73वां गणतंत्र दिन, सबको इस दिन का हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस भारत का एक विशेष राष्ट्रीय पर्व है। 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में संविधान लागू हुआ था। इसकी यादगार में हर साल 26 जनवरी को हम काफी जोश और सम्मान के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसके अनुसार हमारा देश एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न न्यायवादी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित हुआ था। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर आदि नेताओं के बरसक प्रयत्नों से देश में यह संविधान लागू हुआ था। उन सब महानुभावों को इस अवसर पर हम सादर याद करते हैं। यह पर्व देश भर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भारत की राजधानी दिल्ली में और विभिन्न राज्यों में कई कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। देश के लिए शहीद हुए प्रत्येक व्यक्तियों पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब देशवासियों को शुभकामनाएं देते हैं और संविधान पालन करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। स्कूलों, कॉलेजों, सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थाओं में इस दिन राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। कानून के अनुसार नागरिकों के मूल अधिकारों और कर्तव्यों का पालन करने की प्रतिज्ञा लेते हैं। इस शुभ दिन में आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि अपने मूल कर्तव्यों और अधिकारों को पहचाने, कानून का पालन करें, हमारे संविधान को आदर करें और देश की एकता तथा अखंडता कायम करें। आशा के साथ धन्यवाद। जय हिंद।